संघ के जिला कार्यवाहक डोंगर सिंह सोलंकी ने बताया कि आज संघ का दशहरा मिलन उत्सव मनाया गया और पथ संचलन निकाला गया। इससे पहले भगवा ध्वज को गुरुवार को मानकर स्थापना कर भारत माता और संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के चित्र पर माल्यार्पण कर उठो जवानों तुम भारत की अभिमन्यु की रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है गीत का गान किया गया। इसके बाद विभाग बौद्धिक प्रमुख सुजीत पाटीदार द्वारा बौद्धिक दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो आज श्री राम मंदिर को बनते देख रहे हैं उसके लिए असंख्य कार सेवकों ने बलिदान दिया है, जिसके कारण हम अयोध्या में आने वाले 3 सालों बाद भव्य राम मंदिर के दर्शन करेंगे। पाटीदार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतिवर्ष दशहरा उत्सव और हमें सभी को एकजुट होकर व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य दिन दुगिनी व रात चौगिनी कर करना है। इस दौरान स्कूल ग्राउंड पर संचलन निकाला गया, जो बस स्टैंड से बड़ा चौराहा होते हुए स्कूल ग्राउंड पर समापन किया गया। इस दौरान कुल 33 स्थानों पर मंच लगाकर नगर वासियों द्वारा पथ संचलन का स्वागत किया गया। पथ संचलन में करीब 200 बाल, युवा और तरुण स्वयंसेवक उपस्थित रहे। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।